के एक्वा स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 8, 9 और 10 हमारे यहाँ पहला ट्रेनिंग बैच था, वो संपन्न हुआ और उन लोगों के द्वारा ही हम लोगों ने सिंघी और देसी मांगुर का बीज उत्पादन करने का काम किया। आइए देखते हैं कि पहले बैच में जो छात्र आए थे उन लोगों ने जो किया उसका कैसा परिणाम रहा। और अगला बैच जो है 25, 26 और 27 जून को है, जो भी इच्छुक हैं इस छोटे से सेटअप को लगाने के लिए और सफलतापूर्वक सिंघी और देसी मांगुर का बीज उत्पादन करने के लिए, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ सीट बचा हुआ है दूसरे बैच के लिए। आइए चलते हैं सेटअप की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारपाई लगा हुआ है और प्लास्टिक इस पे बिछा हम लोग दिए हैं और चारों ओर से ईंट लगा दिए हैं। और इसी साधारण सेटअप में सिंघी को देखते हैं कि सिंघी ने किस तरह से एक लेइंग की है, उसका बच्चा कैसा है। देखिए, जब आप इस कॉर्नर में देखेंगे तो काफ़ी बच्चे, लाखों बच्चे आपको दिखेंगे। ये लगभग 3 मछली का बच्चा है और लगभग अभी तो 30 एक मछली जैसे 30,000 एग लेइंग करती है, तो ये लगभग 25,000 एक मछली का माने तो 3 मछली का 75,000 बच्चा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी संख्या में है और पूरे में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह है, पूरे में फैला हुआ है, जहां आप देखेंगे फैला हुआ है। लेकिन यहां क्योंकि ये कॉर्नर में रहना ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए कॉर्नर में मछलियां ज़्यादा रहती है। और इस यही कुछ जब बड़ा हो जाता है, 15-20 दिन का हो जाता है, तो हम लोग टैंक में डाल देते हैं। और टैंक में देखिए कैसा रिजल्ट है। टैंक की ओर लेके चलते हैं। ये वैसे पुराना बच्चा है लेकिन आप देख सकते हैं कि बिना एरिएशन का है ये टैंक 10,000 लीटर का। और इसमें बच्चे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बच्चे हैं, कोई इसमें आपको बच्चे में स्ट्रेस नहीं दिख रहा होगा। काफी डेंसिटी में टैंक में भी बच्चे को रखा गया है। हम लोग अब देसी मांगुर के सेटअप पे चलते हैं, देखते हैं देसी मांगुर का कैसा रिजल्ट है। ये पहले बैच का ही बच्चा है, पहले बैच में जो ट्रेनिंग के लिए आए थे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कैंडिडेट आए वो खुद करे यहाँ पर, जो भी हो इंजेक्शन का काम या जो भी इसमें आता है, कोशिश करते हैं कि आप लोग से ही करवाएं। देखिए देसी मांगुर का भी रिजल्ट कितना शानदार है। ये जो आप देख रहे हैं लाल वाले टब में, ये कॉर्नर में सारे देसी मांगुर के बच्चे हैं। थोड़ा सा पानी निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे में कितना अच्छा हलचल है। ये मछली जो है झुंड में रहना ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए सभी मछलियाँ जो है झुंड में, कॉर्नर में जो काला काला दिख रहा है वो सभी मछली ही है, देसी मांगुर है। और इस टब में भी आप देख रहे हैं, इस टब में भी अच्छा रिजल्ट है। सारे बच्चे ही हैं, जहाँ भी आप काला काला देख रहे हैं। ये आप कम झुंड में हैं तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, और इस टब में भी आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। देसी मांगुर में कुछ नहीं है, ये छोटा सा सेटअप है। यदि आपके यहाँ ये है सिंटेक्स टंकी लगा हुआ है घर का कनेक्शन से, मात्र 600-700 रुपए में आप देसी मांगुर का सेटअप लगा सकते हैं। काफ़ी महंगा बच्चा आता है ये, 4 से 5 रुपए का आता है। यदि आप 2-4 मछली का भी कर लेते हैं तो
तो 15 से 20 हजार बच्चे आपको प्राप्त होंगे। और एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि दूसरा बैच जो है 25, 26 और 27 जून को है। जो भी इच्छुक हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कुछ सीट बचा हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं। धन्यवाद।